Hey guys, what is up and welcome back to another reaction video. So yeah, another trailer reaction video. इस बार करने जा रहे हैं सेल्फी के नाम से कोई मूवी आ रही है अक्षय कुमार की, जिसमें इमरान हाशमी है एंड बाकी नुशरत और डियाना, वो दो गर्ल्स है, सही है. तो मूवी का थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पे मैंने पिक्चर देखी थी, क्योंकि भाई अक्षय कुमार और इमरान हाशमी की पोस्ट जो है ना वो आगे आई जाती है. हाँ, और आई थिंक पहली फिल्म है दोनों की एक साथ. सेल्फी नाम है, तो लेट्स सी कैसे है क्या है. तो ट्रेलर देखते हैं. ओके, विजय सर कोई नॉर्मल स्टार नहीं है, हम सबके दिलों के सुपरस्टार है वो. अच्छा, अक्षय कुमार विजय. मुझे साल में 4 पिक्चरें करनी होती है, 2 ओटीटी की भी. क्या कह रहे हो, अपनी रियल लाइफ पे स्टोरी बना रहा है? मुझे साल में 6 फिल्में करनी होती है. बेसिकली वही कह रहा, 4 वैसी 2 ओटीटी. और 28 एड्स भी हैं सर, 17 शोज. रियल स्टोरी है भाई, तो रियल स्टोरी है, बायोपिक है अक्षय कुमार की. फिल्म में भी है, हीरो बना है, मतलब वेट में रील में रील वाला हीरो बना है, मतलब फिल्म में कोई फिल्म स्टार है. और एक आधा रियलिटी शो भी करना होता. इनके लाखों करोड़ों फैंस की तरह मेरे और मेरे बेटे का भी सपना है अपने सुपरस्टार के साथ एक सेल्फी लेने का. इमरान हाशमी. क्या फालतूगिरी चल रही है? इंडिगर विजय सर के डांस नंबर के बारे में कुछ कहा ना तो अपना डिवोर्स हो जाएगा. दुनिया जानती है कि अगर एक्टिंग के अलावा मेरा कोई दूसरा प्यार है तो वो है ड्राइविंग. हीरे होते हैं विजय सर के पास लाइसेंस नहीं, 2 दिन में लाइसेंस पकड़वा दूंगा. प्लीज मैडम, प्लीज एक सेल्फी दिलवा दीजिए प्लीज. ऐसे फैंस की वजह से हम जिंदा हैं, वरना हम तो कब के. तो बेसिकली ये सुपर फैन वो सुपर स्टार. अच्छा, अभी तक जो स्टोरी है ये इसका बच्चा भी उसका फैन है, और आई थिंक ये कोई पुलिस में काम करता है और उसको ड्राइविंग का शौक है, उसके पास लाइसेंस नहीं है. ये बोलता है कि भाई लाइसेंस मैं बना के देगा, मैं विजय अक्षय कुमार नहीं, विजय सर को मैं लाइसेंस बना के देगा. बस एक सेल्फी हो जाती तो क्या ही बात हो जाती, मज़ा आ जाता भाई. चलो, फैंस से मैं बहुत प्यार करता हूँ, बस बुरा तब लगता है जब कुछ फैंस मेरे प्यार का फायदा उठाते. सबके सामने अपनी यही चौड़ दिखाना चाहते थे ना तुम, कि तुम्हारे कहने पर एक फिल्म स्टार सुबह 7 बजे आ गया आरटीओ. तुम्हें क्या लगता है तुम लाइसेंस नहीं दोगे तो क्या लाइसेंस नहीं मिलेगा मुझे? बेटा एक बात सीख लो, अपने बाप जैसा ना अपॉर्चुनिस्टिक कभी मत बनना. बेटे के सामने बाप की बेइज्जती कर दी. बेसिकली इसने कर दिया जो सोचा नहीं था. ये तो अपॉर्चुनिस्टिक नहीं था, ये तो बस फोटो जाता था ना. हाँ, फोटो जाता था, सुपर फैन था, और आगे से उसने कर दी बेटे के सामने बाप की बेइज्जती. और उसने आगे से बेटे को टॉन्ट भी दे दिया कि कभी इसकी तरह मत बनना. क्या ये एमिनेम वाली स्टोरी बनेगी स्टैन? पता नहीं भाई, पता नहीं, मूवी देख के पता चलेगा. सबके लिए हीरो होंगे पर मेरे हीरो आप हो. विजय सर की लड़ाई क्या कह रहे हो? पीछे एक और गाना रिमिक्स हो रहा है. हम दोनों है अलग अलग, हम दोनों है जुदा जुदा. ये नहीं पता भाई. मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी. अच्छा, ओ देख पीछे चल रहा है, देख देख. पर मेरे हीरो आप हो. विजय सर की लड़ाई के सबसे बड़े फैंस है. अब तेरा हीरो जीतेगा मेरे हीरो से. ओ, अ सुपर स्टार वर्सेस अ बिगेस्ट फैन टर्न्ड क्या बोल सकते हैं, टर्न्ड मतलब उसके खिलाफ हो गया. स्टैन में बोल रहा हूँ. वो भी है, इससे मुझे वो भी याद आ रहा है, फैन ऐसा के देखते हैं. उन्हें जिस पब्लिक ने आसमान पे चढ़ा है वही पब्लिक उस सितारे को जमीन पे लेके आएगी. बात तो सही है भाई, पब्लिक ही सब कुछ होता है. अगर उन्हें लाइसेंस चाहिए तो एक आम आदमी की तरह यहाँ आकर सारे टेस्ट देने पड़ेंगे. फैन था ये सर का, अब सेलिब्रिटी बना घूम रहा है. वॉल्यूम बढ़ाइए. फैन था ये सर का, अब सेलिब्रिटी बना घूम रहा है. ये अच्छा ना, एक वॉल्यूम बढ़ा रहे बोला. वॉल्यूम बढ़ाइए. फैन था ये सर का, भाई टीवी का वॉल्यूम बढ़ाइए.
अब नर्नस टेस्ट, रोड टेस्ट, चाहे तो ब्लड टेस्ट, स्क्रीन टेस्ट, यूरिन टेस्ट सब देके जाऊंगा और ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाऊंगा प्रकाश अग्रवाल जी के हाथों। तो अग्रवाल साहब कैसा लग रहा है एक सुपरस्टार से टक्कर लेकर? मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, मैं अनाड़ी तू खिलाड़ी, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, मैं अनाड़ी तू खिलाड़ी। आपको आइडिया नहीं है जब एक सीधे साधे आदमी सटकती है तो किस हद तक जा सकता है। दृश्यम, सीधे साधे आदमी की जब हटकती है तो कहाँ तक जा सकता है, कहाँ जा सकता है। दृश्यम देख लो बॉयज। बेसिकली ये लग रहा है कि अक्षय कुमार की कोई अच्छी फिल्म बहुत टाइम बाद आएगी। हाँ, यू कैन से लग रहा है थोड़ा, क्योंकि इमरान हाशमी की एक्टिंग थोड़ा अलग ही चला रही है वो। हाँ। तो बेसिकली अक्षय कुमार ने खुद का रोल प्ले किया। आज शुरू से शुरुआत करते सेल्फी। मस्त लुक है भाई, मस्त है। अच्छा 24 फरवरी को आ रही है। 24 फरवरी को आ रही है, मस्त जाके देखेंगे। स्पूकी तुम नहीं देख पाओगे, मैं जाके देख लूंगा। धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म है ये भी, कहीं ना कहीं आ जाएगी, लेकिन बहुत टाइम बाद देखोगे बेटा। मैं जाऊंगा फर्स्ट शो, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख के आऊंगा। ओके, तो ये स्पॉइलर दूंगा। अच्छा ठीक है भाई। के सेल्फी तो, अरे एक मिनट, क्या है, क्या हुआ? म्यूजिक प्रोड्यूसर कौन कौन है? योयो हनी सिंह, प्रोफ सी। हाँ ये है, योयो हनी सिंह, प्रोफ सी, प्रोफ सी। पर बड़े बड़े लोग लिए ना, तो सही है। और वो गाना तो इन्होंने क्लासिक रीमेक कर ही दिया, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, वो भी अलग अलग हम दोनों, उसका मजा आएगा भाई। अरे सैफ अली खान भी होता, सैफ अली खान ही होता तो फिर ठीक रहता। वही था ना पहली फिल्म में। हाँ, इमरान हाशमी उसका जो है ना, ये गाने के हिसाब से कह रहा हूँ, मतलब गाने में तो ये दोनों थे ना उस टाइम पे। लेकिन गाना इन लोगों ने बेसिकली उठाया है कि भाई मैं सुपरस्टार हूँ, मैं खिलाड़ी हूँ, तू अनाड़ी है, तू क्या है भाई मेरे सामने। तो वो उल्टा भी होता है वो। हाँ, तो बेसिकली पे वही ना, मूवी के हिसाब से मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, मैं अनाड़ी तू खिलाड़ी, तो वो सीन तो अच्छा है। इमरान हाशमी की जो न्यू लुक है, न्यू लुक तो नहीं है खैर, जिसने इंस्टाग्राम पे वो फॉलो करता है उनको पता होगा, मतलब इसकी ने बेसिकली ये वाली लुक बनाई है आजकल, मूंछों वाली, द क्लीन शेव एंड मूंछे, अच्छी लुक है भाई। और अक्षय कुमार की तो वही मस्त वाली लुक, फुल क्लीन शेव, वही है, अच्छा है, अच्छा है, देखेंगे जाएंगे। वो वाला डायलॉग फिट था, क्या कहते हैं, मुझे साल में 6 फिल्में करनी होती है, 4 नॉर्मल, 2 ओटीटी, 15 लाइव शोज, 20 एड्स, पर एक रियलिटी शो। सच बोल रहा था, वो से नहीं करती है दीदी, सच बोल रहा है, सब कुछ बोल गया कि भाई मैं ये करता हूं बस। वही करता हूं भाई, जो भी बोल लो भाई, जो भी बोल लो। अक्षय कुमार अगर मूवीज अच्छी नहीं बनाता है, बनाता है सही है, जो जितना वो यू नो थोड़ा कर है ना, छाप है ना वो, आई एम नॉट श्योर कि अभी तक लाइक पुराने एक्टर्स में से इतना कोई छाप है जितना अक्षय कुमार का। वो तो है, तो है सुपरस्टार भाई, है नाम है। देखते हैं क्या आएगा मूवी में, कैसे आएगा, आप लोग भी देखना सही है। 24 फरवरी को पता चलेगा, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, मस्त। स्पॉयलर्स मत देना किसी को, एक दूसरे को, और कमेंट करके बताओ कि और अगली नेक्स्ट किस चीज़ पे रिएक्ट करें, गाने पे, ट्रेलर पे, किस चीज़ पे। बाकी वीडियो पसंद आई, हाँ आप किस चीज़ का, किस मूवी का वेट कर रहे हो नेक्स्ट अपकमिंग मूवीज़ में से? सेल्फी आ रही है, अजय देवगन की वो आ रही है, बोला आ रही है, और भी काफ़ी ढेर सारी मूवीज़ आ रही है, तो बताना ज़रूर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी मज़ेदार वीडियोज़ देखने के लिए। अनटिल देन, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वन।